नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन किसान पुत्र। और आज की वीडियो में आप देखो भाई, सोयाबीन के अंदर जो स्प्रे होते हैं, तो बहुत से भाई जैसे कि टंकी से करते हैं या ट्रैक्टर से करते हैं, पर यहाँ पर एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन की मदद से स्प्रे किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना लीटर पानी पे कितने बीघा तक करता है और क्या प्रोसेस है इसका। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो काफी किसान भाई है भाई, इसका क्या है प्रोसेस, कितने बीघा तक ये कवर कर देता है फसल को एक बार में? डेढ़ एकड़ करते हैं, 2 लीटर पानी। अच्छा, डेढ़ एकड़। अच्छा, 12 लीटर में। अच्छा अच्छा, अगर जैसे कोई किराए से भी करवाता है तो इसका कोई? इसका चार्ज है 500 रूपए पर एकड़, मतलब अच्छा 200 रूपए बीघा। अच्छा, 200 रूपए बीघा तक का खर्चा आएगा अगर कोई किसान भाई करवाता है इसे तो। भाई ये वाली जो टेक्नोलॉजी है भाई अपने एरिया के अंदर, जो एरिया के अंदर जो पहली वाली है ना टेक्नोलॉजी, अभी तक तो कोई नहीं आया ना, खेना मतलब। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसके अंदर जो कितने ये लगे हुए हैं, 6 नोजल है। अच्छा, 6 नोजल लगे हुए हैं। और ये जो देख सकते हो आप, ये पंखड़ियाँ हैं इसकी। और इसका अगर वजन की बात करें तो कितना वजन होगा पूरा? ये 35 kg है, तब बैटरी को और खाली टैंक को अगर अपन बात करें तो। अच्छा, तो इसके अंदर जैसे अपन एक बैटरी के अंदर कितने टाइम तक चल पाता है ये? एक बैटरी से मानो 5 एकड़। अच्छा, 5 एकड़। और टाइम की बात करें तो कितने मिनट? ये 1.5 एकड़ को 7-8 मिनट में कर देता है। अच्छा, 7-8 मिनट में। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जबकि कोई किसान अगर जैसे स्प्रे ट्रैक्टर से भी करने आता है तो उसको भी तकरीबन आधा पौन एक घंटा जाता है, नलची को फैलाता है, फिर करेगा, फिर पीछे समेटेगा। तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा एडवांस है, कहना 200 रूपए बीघा तक का। अच्छा, तो कीमत का एक आइडिया ले तो आपसे। इसका 4 बैटरियों के साथ में 22 लाख का। तो 22 लाख तो भाई साहब, छोटे मोटे किसानों का तो क्या? नहीं, नहीं, किसान छोटे मोटे नहीं, बड़े भी नहीं खरीद सकते। हाँ, बड़े जो मीडियम रेंज के किसान है वो भी नहीं खरीद सके। सही बात है, 22 लाख बहुत होता है। प्रॉफिट है कि जैसे सोयाबीन बड़ी हो चुकी है, तो अगर अपन जैसे नलचियों से ट्रैक्टर से करते हैं तो सोयाबीन गिरने का, टूटने का, और जैसे बड़ी होगी तो नीचे से कीड़े का, कोई पैर से सोयाबीन टूट जाए। हालांकि इसके अंदर जो सुविधा तो भरपूर दी है, पर ये जो प्राइस का बात करें, अगर जैसे कोई किराए से करवाता है तो वो तो खैर नहीं, ये मतलब अगले साल तक हर एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और हर किसान करवा सकता है। अच्छा, इसको FMC इंडिया फार्मर ऐप। अच्छा, तो ये GPS के द्वारा होता है ना इसका जो भी प्रोसेस है? जी सर। अच्छा, तो जैसे मान लो अगर आप दवाई कर रहे हो, बीच में अगर दवाई बीत गई तो उसका भी कोई ऐसा सिस्टम है? ये जैसे ये दवाई कर रहा है, कोई बड़ा खेत है और उसमें बीच में दवाई खत्म होगी। अच्छा अच्छा, तो ये जहाँ से उड़ाया है वहीं पे आएगा, जिसके बाद दोबारा दवाई वहीं से चालू होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं जाएगी? दवाई के ऊपर दवाई नहीं जाएगी और खाली जगह भी नहीं छूटेगी, भाई यहाँ पे रह गया। अच्छा अच्छा, हालांकि ये वो सिस्टम तो बढ़िया है। खैर भाई लोगों, आप भी कमेंट में जरूर बताना भाई ये वाला सिस्टम आपको कैसा लगा। हालांकि इसके अंदर अभी के टाइम पे जो सोयाबीन है वो तकरीबन 3 से 3.5 फीट तक की सोयाबीन हो रही है, तो उसके अंदर घुस कर और नलचियां खींचना बहुत खतरनाक काम हो रहा है, क्या मतलब। तो भाई अगर जो भी भाई इन किसान जो भाई आए तो इनके जरिए अगर कोई बात करना चाहे तो इसके लिए अपना कुछ वेबसाइट वगैरह? जी सर, इसमें क्या है, प्ले स्टोर से FMC इंडिया फार्मर ऐप डाउनलोड करके उससे बुकिंग कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रदीप नागर मेरा नाम है, मैं FMC कंपनी का ही MBO सुल्तानपुर हेडक्वार्टर से हूँ, और मेरे नंबर है 8696698090। अच्छा, कॉल करके संपर्क कर सकता है, अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम हो तो हम कॉल पे बता सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी का जो सीजन है, अगर अभी भी फिलहाल कोई जैसे स्प्रे भी करवाना हो तो आप तो इसको जैसे कहाँ कहाँ तक आप ले जा सकते हो अगर कोई किसान भाई आपसे कॉन्टेक्ट करता है? कोटा डिस्ट्रिक्ट है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे भी अच्छी सोयाबीन धान है तो वहाँ पे जा सकता है। अच्छा अच्छा, ओके। इसके पहले जैसे अपने वीडियो शूट की थी जो रेडियल टायर के ऊपर, जिन किसान भाई के पास पहुंचे हैं भाई और उन्हीं के खेत के अंदर ये स्प्रे किया है अभी आपने ड्रोन से देखा, तो उनसे भी जानते हैं भाई इसका ख्याल कैसे आया इनके मन में। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम उदित सिंह सोलंकी है जी। और फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग अभी मूडला में है और ये 4 बीघे का सोयाबीन था मेरा। इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी और मेरे पास में नॉर्मल पंप भी है, तो मेन तो ये था कि मेरा ड्रोन से कराने का काम ये था कि इसमें मेरा सोयाबीन बहुत ज्यादा खराब होता, मेन तो पेड़ ज्यादा उखड़ते। हाँ, सही। जैसे कि आप देख रहे हो मिट्टी भी गीली है आपकी, और नलची खींचने में 4 बीघे में तो मेरे हिसाब से 4 से 5 आदमी लग जाते। तो इस हिसाब से हम लोगों ने, मेरी FMC वाले से बात हो रही थी पहले, क्योंकि हम लोग ज्यादातर FMC वाले के प्रोडक्ट यूज करते थे। जी जी। तो इन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि यार हम लोग लेकर आए तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो रिजल्ट जैसा कि आपके सामने ही था, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। और ये आपके 16 लीटर का ड्रोन है, 12 लीटर ये लोग डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, और
बाकी तो आपने देखा ये वीडियो के अंदर, हाँ तो अभी तक तो अपने एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो 500 लीटर या 400 लीटर के जो टैंक आते हैं उनके जरिए स्प्रे किया जाता है, पर ये तो जो मैंने भी देखा तो मैं भी इसे देखकर ये हो गया, इसने तो यार 5-7 मिनट के अंदर ही इस पूरे खेत को कवर कर दिया। अपन ये मानते हैं कि 1.5 लीटर की टंकी 8 बीघे के आसपास खाली हो जाती हो जाती, ये अगर अपन माने 8 बीघे के अंदर तो ये सिर्फ 24 लीटर दवाई में 8 बीघे दवाई कर देगा। अच्छा, और समय की भी बचत, समय मतलब ऑलमोस्ट ये मानो कि 5 मिनट अपन लेके चले 4 बीघे का, और 8 बीघे का मानो तो 10 मिनट में स्प्रे कर देगा 8 बीघे, सही बात, बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ किसान भी है तो उनसे भी इसके बारे में जानते हैं भाई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? नमस्कार जी। इसका रिजल्ट बढ़िया लगा मैं देखने में भी यहाँ पे, मतलब काफी कम समय में बढ़िया दवाई किसने, तो अच्छा लगा आपको इसका? तो और कुछ किसान भाई उधर से भी देख रहे हैं भाई, तो वाकई में मेरे को भी अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और किस जिस किसी किसान भाई को इनसे संपर्क करना है तो वो जैसे भैया ने बताया वैसे इनसे संपर्क कर सकते हैं। वो उम्मीद करूंगा भाई वो वीडियो के अंदर एक छोटी सी जानकारी पसंद आएगी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।